जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम टू सक्सेस नाइडेट पर। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो जीके का दूसरा टॉपिक जो कि आपका फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, सो पिछले क्लास में हम देखे थे सीएम, गवर्नर, चीफ जस्टिस किन किन राज्यों का कौन कौन है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम शुरू कर रहे हैं फ्लोरा एंड फौना के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए आज हम फ्लोरा एंड फोना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आखिर ये फ्लोरा एंड फोना होता क्या है? फ्लोरा आपका जो कि आपका फ्लोरा प्लांट है। ठीक है, फ्लोरा का मतलब प्लांट है एंड फोना का मतलब आपका एनिमल। ठीक है, एनिमल को फोना कहते हैं। ठीक है, सो इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 19,000 स्पेसिस ऑफ एनिमल्स। ठीक है, आपके इंडिया में आपका 90,000 एनिमल स्पेसिस हैं। ठीक है, 90,000 के एनिमल का स्पेसिस है। ठीक है, एंड आपके इंडिया में 15,000 का फ्लावर है। ठीक है, 15,000 के स्पेसिस के फ्लावर्स जो कि वर्ल्ड के अंदर देखेंगे तो आपका ये वर्ल्ड का 6% है। ठीक है, एंड विच अकाउंट 6% ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया हैज़ द 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड विच अबाउट 47,000 प्लांट स्पेसिस इन द वर्ल्ड एंड फोर्थ नंबर इन द एशिया। सो इंडिया इज़ द 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। ठीक है, इंडिया आपका 12 नंबर में आता है बायोडाइवर्सिटी कंट्री में। सो देखिए इंडिया में आपका 47,000 के आपको वहाँ पर प्लांट स्पेसिस मिलेंगे। ठीक है, प्लांट स्पेसिस एंड जो कि प्लांट स्पेसिस के अंदर आपका इंडिया जो कि बायोडाइवर्सिटी के अनुसार देखेंगे तो आपका ये 12 नंबर पे आता है। ठीक है, कहाँ पे आता है? वर्ल्ड पे। एंड जो कि आपका ये एशिया महादेश में देखेंगे तो आपका हमारा भारत जो कि 14 नंबर पे आएगा। ठीक है, फोर्थ स्थान पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। ठीक है, ये रहा आपका फ्लोरा एंड फोना, फिर से देख लेते हैं। उससे पहले फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा का मतलब आपका प्लांट है एंड फोना का मतलब आपका एनिमल। ठीक है, यहाँ पे आप इंडिया में 90,000 के एनिमल्स हैं। ठीक है, 19,000 स्पेसिस के एनिमल्स हैं एंड 15,000 स्पेसिस के फ्लावर हैं जो कि वर्ल्ड में देखें तो आपका वर्ल्ड वाइज आपका 6% है। ठीक है, एंड इंडिया में आपको 47,000 प्लांट स्पेसिस मिलेंगे। ठीक है, प्लांट के स्पेसिस हैं एंड जो कि इंडिया जो कि 12 नंबर आता है कहाँ पे? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के अनुसार इंडिया 12 नंबर पर आता है एंड जो कि एशिया महादेश में देखेंगे तो जो कि इंडिया 4 नंबर पर आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो कि आपका नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, देखिए नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है? देखिए, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन रिफर टू प्लांट। ठीक है, ये नेचुरल वेजिटेशन जो कि आपको प्लांट्स के ऊपर रिफर आती है। ठीक, प्लांट्स रिफर टू प्लांट्स। ठीक है, प्लांट के ऊपर रिफर करते हैं विच ग्रोस नेचुरली विथआउट ह्यूमन एड। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन, देखिए दूसरा पॉइंट जो कि आपका नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन जो कि आपका विथआउट ह्यूमन एड। ठीक है, विथआउट ह्यूमन राइट, जो कि बिना इंसानों के द्वारा उगने वाला पेड़ पौधे। ठीक है, प्लांट्स को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। ठीक है, देर आर फ्यू फैक्टर्स लाइक, जैसे कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, लैंड एंड आपका जो कि लैंड एंड सॉइल तो हो गया, क्लाइमेट भी हो गया। सो आपके यहाँ पे सनलाइट एंड जो कि आपका प्रेसिपिटेशन। ठीक है, देखिए सनलाइट, ठीक है, सनलाइट के द्वारा आपका पेड़ जल्दी ग्रो होते हैं। क्यों ग्रो होते हैं? बिकॉज ऑफ सनलाइट के द्वारा ये खाना प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फूड प्रोड्यूस करते हैं
एंड उसके द्वारा उनका पेट भी भरता है, ठीक है, फूड प्रोड्यूस होते हैं, जो कि फोटो द प्रोसेस है आपका फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा जो कि आपका प्लांट फूड तैयार करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका लैंड का क्या भूमिका है, देखिए, लैंड लैंड इफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। लैंड के द्वारा आपका जो भी वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन होता है, ये इफेक्ट करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, देखिए पॉइंट देखिए, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। इन इंडिया देर आर फाइव टाइप ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। इंडिया में आपका पांच तरह के वेजिटेशन होते हैं, जो कि आपका पहला पहला था है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट, बी ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, एंड ऑप्शन सी जो क्या है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कॉर्ब्स, ठीक है, ट्रॉपिकल क्रॉप्स, एंड ऑप्शन डी जो क्या है माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन है फॉरेस्ट। एंड जो कि ई मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन सब फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। पहले तो आपका आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बी में ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, सी में ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्कॉर्ब्स, ठीक है, एंड ऑप्शन डी में आता है आपका मेंटेन फॉरेस्ट, एंड ऑप्शन ई जो कि मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। सो हम इसके बारे में हम डिटेली पढ़ेंगे अभी, ठीक है। फर्स्ट आता है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये होता क्या है, देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। देर इज दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज विथ 200 सेंटीमीटर और मोर एनुअली रेनफॉल, यहाँ पे आपका 200 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और मोर क्या होता है रेनफॉल हो सकता है, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में 200 से लेकर कुछ उससे ज़्यादा भी रेनफॉल हो सकता है, एंड इसका यहाँ पे आपका एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर देखिए आपका 22 डिग्री होता है, ठीक है, 22 डिग्री। एंड ह्यूमिडिटी, हवा का नमी, ये सब आपका 70% इन दिस रीजन, इन ये जो कि सीजन है, रीजन है जो कि आपका आता है ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया इस रीजन में आपका 70% ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी जो कि आपका 70% तक होता है, ठीक है। सो ये कौन कौन सा रीजन होता है, कौन कौन सा रीजन से रीजन में ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखा देता है, जो कि आपका आता है ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया रीजन में आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखता है, ठीक है। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार, आसाम एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, एंड आपका इतना है, ठीक है, इस तरफ और कोलकाता भी है, ठीक है, कोलकाता इस राज्य में आपको ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाई देगा, ठीक है। सो इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपका इंपॉर्टेंट ट्रीज, जैसे कि इंपॉर्टेंट ट्रीज, ठीक है, इम्पोर्टेंट ट्रीज जो कि आपका रबर, इबोनी, कोकोनट एंड कोकोनट बाम्बो, इसी तरह पेड़ आपको दिखाई देंगे, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। एंड यहाँ पे आपका कॉमनली जो कि एनिमल दिखाई देते हैं, कॉमन एनिमल
कॉमन एनिमल्स जैसे ये आपका एलिफेंट, मंकी, डियर, ठीक है, एलिफेंट, मंकी एंड डियर, ठीक है, ऐसे आपको एनिमल्स दिखाई देंगे, ठीक है। सो फिर से देखते हैं एक बार, डिटेली देख लिखते हैं। टाइप ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन टाइप जो कि आपका 5 तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्कॉर्स, एंड फोर फोर में आपका माउंटेन फॉरेस्ट, 5 में जो कि आपका आता है मैनग्रोव फॉरेस्ट। सो आपके यहाँ पे पहला तो है ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे साल में आपका ईयरली, ठीक है, ईयरली 200 सेंटीमीटर से लेके देखो ज़्यादा ही रेनफॉल हो सकता है। एंड यहाँ का एवरेज टेम्परेचर जो कि आपका 22 डिग्री है, और इससे कि ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, और मोर, ठीक है। एंड यहाँ के ह्यूमिडिटी जो कि हवा का नमी ताप जो कि आपका 70% होता है, जो कि ये रीजन है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको ईस्टर्न इंडिया रीजन में आपको दिखाई देगा, ठीक है, जैसे कि अंडमान निकोबार, आसाम, ओडिशा, कलकत्ता, इन बहुत सारे हैं, ठीक है। आपको मैं जो नोट्स दूंगा यहाँ पे आपको सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट ट्रीज, इम्पोर्टेंट ट्रीज, ठीक है, इम्पोर्टेंट ट्रीज जो जैसे कि रबर, इबोनी, कोकोनट एंड बम्बू ट्री के जैसे कुछ देखने मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉमन एनिमल जैसे कि एलिफेंट, मंकी एंड डियर यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। सो चले देखते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में, जो कि आपका ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। देखिए बीमार ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। इट इज द मोस्ट विडेस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है। ये फॉरेस्ट जो कि आपका ट्रॉपिकल डिसेडियस फॉरेस्ट, ये सबसे ज़्यादा इंडिया में दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ का ये आपका मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट, ठीक है, इन इंडिया, इंडिया में इसका कुछ ज़्यादा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बहुत मात्रा में दिखाई दे रही, कौन सा ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। इसका एनुअली रेनफॉल जो कि एनुअली रेनफॉल 70 से लेके 200 तक होता है, ठीक है, सेंटीमीटर तक होता है। एंड दिस कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, जो कि आपका ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट को आपको यहाँ पे मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। फिर से देखिए ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ पे आपका जो कि ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट आपको वाइल्ड सॉरी वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, जो कि आपका इंडिया में सबसे ज़्यादा यही ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो कि आपका 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक आपके यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। इसको ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट को आपको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक के यहाँ पे बारिश होती है, इसीलिए इसे दो भाग में भाग किया गया, ठीक है। यहाँ पे आपका आता है पहला मोइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, एंड ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। सो चलिए देखते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। पहले जो कि आपका मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट एंड ड्राई फॉरेस्ट, ठीक है। मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट के बारे में देखिए, यहाँ पे रेनफॉल जो कि आपका 200 से सॉरी 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे साल में बारिश होती है, ठीक है। साल में 200 से लेकर 200 तक यहाँ पे बारिश होती है। इट एग्जिस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, ठीक है। ये आपका रीजन जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको ऐसे फॉरेस्ट मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने मिलेंगे, ठीक है।
जैसे कि आपका हिमालया, हिमालया हिमालय, ठीक है। इस जगह पे आपको मॉइस्ट डेसर्ट फॉरेस्ट देखने मिलेंगे, एंड जो कि आपका ड्राई डेसर्ट फॉरेस्ट देखे, यहाँ आपका साल में 70 से लेके 100 सेंटीमीटर तक यहाँ से यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। इट एग्जिस्ट जो कि आपका ड्राई डेसर्ट फॉरेस्ट आपको एग्जिस्ट करते कहाँ कहाँ पे, बिहार एंड यूपी, ठीक है। इस राज्यों पे आपको ड्राई डेसर्ट फॉरेस्ट देखने मिलेंगे, ठीक है। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि आपका ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। क्या है? ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, ठीक है। तीन बार पॉइंट देखिए आपका, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। देखिए यहाँ पे साल में रेनफॉल दो के आपका 70 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। 70 सेंटीमीटर तक यहाँ पे साल में बारिश होती है, रेनफॉल। एंड दे हैव लो ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर ड्यू टू लो रेनफॉल, ठीक है। ड्यू टू लो लो रेनफॉल ड्यू टू लो रो सॉरी लो रेनफॉल यहाँ पे आपका लो ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर होता है। एंड यहाँ पे बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल यहाँ पे जो कि आपका पेड़ दिखते हैं, जैसे कि जो भी पेड़ दिखते हैं वो जो कि अंदर तक नीचे पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है, पेनिट्रेट करते हैं अंदर तक नीचे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन एमपी यूपी छत्तीसगढ़, ठीक है, फाउंड जो कि एमपी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। सो देखिए यहाँ पे कॉमन एनिमल्स कौन कौन से हैं, एनिमल्स जो कि आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि रैबिट, फॉक्स, टाइगर लायन, ठीक है, रैबिट फॉक्स टाइगर एंड लायन, ठीक है। फिर से देखिए ट्रॉपिकल डेसर्ट फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। सो यहाँ पे साल में 70 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे लो बारिश होती है, इसीलिए आपको यहाँ पे लो ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल यहाँ पे आपको जो भी पेड़ दिखते हैं वो अंदर तक बहुत अंदर तक घुसे रहते हैं, ठीक है, जो कि आपका ये ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट आपको एमपी यूपी एंड छत्तीसगढ़ में आपको देखने मिलेंगे ऐसे फॉरेस्ट। एंड यहाँ का एनिमल्स जैसे कि रैबिट, फॉक्स, टाइगर एंड लाइन आपको यहाँ पे ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका माउंटेन एंड माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। चार नंबर पे जो कि आपका आता है माउंटेन, माउंटेन एंड माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। इसके बारे में देखिए फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन ए हाइट ऑफ 1000 एंड 2000 मीटर्स, ठीक है। जो कि आपका माउंटेन है, माउंटेन फॉरेस्ट है वो 1000 से लेके 1000 एंड 2000 की ऊंचाई में आपको पेड़ जो कि माउंटेन एंड माउंटेन फॉरेस्ट देखने मिलेगा, ठीक है। इन माउंटेन्स एरियाज डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर विच इंक्रीजिंग इन एल्टीट्यूड लीड्स टू चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कि आपका यहाँ पे इंक्रीज होता है एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, इसीलिए आपको यहाँ पे बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड यहाँ पे आपको जो कि नेचुरल वेजिटेशन कुछ अलग दिखती है, ठीक है, चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। सो यहां पे आपका कॉमन एनिमल जैसे कि सॉरी जैक रैबिट,
स्नो लियोपार्ड, एंड बियर, एंड रेड पांडा। ठीक है, इसी तरह के जानवर आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। कहाँ पे? माउंटेन एंड माउंटेन फॉरेस्ट में। एंड यहाँ पे ये जो कि आपका माउंटेन एंड माउंटेन फॉरेस्ट जो कि आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको हिमालय, इस रीजन में आपको माउंटेन एंड माउंटेन फॉरेस्ट देखने मिलेंगे। देखते हैं आखिरी पॉइंट के बारे में, जो कि आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, देखिए पांचवा नंबर हो गया आपका मैनग्रोव। मैनग्रोव फॉरेस्ट, द मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज ऑफ कोस्ट मड एंड स्लेट। ठीक है, जो कि आपका कोस्ट, इसके आसपास आपको ये मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, डेल्टास ऑफ गंगा, यमुना, गंगा महानदी एंड गोदावरी। ठीक है, जो कि किनारे में, जो कि गंगा महानदी एंड गोदावरी के किनारे में आपको ऐसे फॉरेस्ट आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, कहाँ पे? नियर गंगा महानदी एंड गोदावरी। ठीक है, उनके आसपास ये मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, द लार्ज टाइडल फॉरेस्ट, सबसे बड़ा जो कि लार्ज टाइडल फॉरेस्ट जो कि आपका गंगा ब्रह्मपुत्र के पास में आपको ऐसे फॉरेस्ट आप देखने मिलेंगे। ठीक है, जो कि आपका गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ऐसे बड़े बड़े नदी के पास आपको टाइडल फॉरेस्ट आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, या फिर बोलते मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं जो कि आपका तीन नंबर पॉइंट, इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है? देखिए इकोसिस्टम कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जहाँ पे सब प्राणी मिलजुल के रहते हैं, इसे आपको इकोसिस्टम कहा जाता है। क्या? कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपको इकोसिस्टम कहा जाता है। इसी तरह देखें तो हम ह्यूमंस लोग भी एक इकोसिस्टम के पार्ट हैं। ठीक है, ह्यूमंस आर आल्सो पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, एंड आपके आप यहाँ पे देखिए आ रहा होगा ब्लूम, ए वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स लाइफ इज कॉल्ड, जो क्या है ब्लूम। ब्लूम का मतलब है आपका जो बड़ी सी जगह है। ठीक है, यहाँ पे सब प्रकार जानवर, पेड़ पौधों, सब कुछ है, इसे आपको ब्लूम कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपका जानवर, ये था आपका तीन नंबर। ठीक है, चार नंबर के बारे में देखेंगे जो कि वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इंडिया में वाइल्ड लाइफ कैसी है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चार में आता वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। देखिए पॉइंट्स, देखिए इन इंडिया अप्रोक्स 90,000 एनिमल स्पेसिस। यहाँ पे इंडिया में आपको 90,000 ऑफ एनिमल स्पेसिस, 90,000 ऑफ एनिमल स्पेसिस आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो कि आपका 2,000 ऑफ बर्ड स्पेसिस भी आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, 13% ऑफ द वर्ल्ड। जो आपका 2,000 बर्ड स्पेसिस हैं वो वर्ल्ड के साथ देखेंगे तो आपका ये 13% है। ठीक है, एंड देखिए जो कि आपका फिश का फिशेस जो कि 2546 की स्पेसिस आपको मछली के स्पेसिस आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, मछली के स्पेसिस 2546 आपको देखने मिलेंगे। इन इंडिया अल्सो शेयर 5 एंड 8% ऑफ द वर्ल्ड
देखिए जो कि आपका आता है 90%, सॉरी 90,000 एनिमल स्पेसिस, 2,000 बर्ड स्पेसिस, 2546 स्पेसिस ऑफ फिशेस, इन सबको ये दो सॉरी 5 से लेकर 8% तक ये अब वर्ल्ड को शेयर करता है, ठीक है, इंडिया वर्ल्ड को शेयर करता है, ठीक है, इन स्पेसिस को। ये जो कि आपका फिशेस 2546 स्पेसिस के फिशेस हैं, जो कि आपका वर्ल्ड के हिसाब से देखे तो आपका ये 12%, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि देखिए सो कौन कौन से एनिमल कहाँ पे फाउंड होते हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। इंडिया ओनली कंट्री इन विच वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर एंड लायंस। सो वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में देखेंगे, इन इंडिया में जो कि आपका देश एक एक ऐसी देश है जहाँ पे कि आप टाइगर एंड लायन को भी देख सकते हैं। सो देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपका द यक एंड द वरल आर फाउंड इन लद्दाख। लद्दाख में आपको यक एंड वरल आपको देखने मिले, ठीक है, लद्दाख में यक एंड वरल आपको यहाँ पे देखने मिले, ठीक है। इन इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972, यहाँ पे आपका 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लागू हुआ था, कब से 1972 में आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन यहाँ इंडिया में लागू हुआ था, ठीक है। फॉर प्रोटेक्टिंग फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, फॉर प्रोटेक्टिंग किसे प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्लोरा एंड फोना, ठीक है, आपको बताया था फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा का मतलब है आपका ट्रीज प्लांट्स, एंड फोना का मतलब जो कि आपका एनिमल्स, ठीक है, आपको बताया होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपका, देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपका द सेंट्रल जू अथॉरिटी वॉज एस्टेब्लिश एस ए सेक्रेटरी बॉडी अंडर द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1972, ठीक है, 1972 में आपका, सॉरी 1992 मैं आपका सेंट्रल जू अथॉरिटी की तरफ से आपको एक बॉडी यानी कि स्ट्रक्चरल बॉडी आपको बनाया गया था, ठीक है, किसे बताने के लिए, फ्लोरा एंड फौना को बताने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे और एक नेक्स्ट पॉइंट जो कि देर आर मेनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रोजेक्ट्स कौन कौन सा प्रोजेक्ट है उनके बारे में देखते हैं वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में प्रोजेक्ट्स, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडिया बूस्टर्ड, ठीक है, जो कि आपका प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर इज लॉन्च इन अप्रैल 1973, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि 1973 में, ठीक है, विथ एम टू इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, क्योंकि टाइगर का पॉपुलेशन इतना कम हो गया था इसीलिए इसे 1973 में इस जो कि प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था, ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, ठीक है। सो चलिए देखते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं फिर से, जैसे कि आपका हंगवल प्रोजेक्ट 1970, गिर लायन प्रोजेक्ट 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, देखिए लिख देता हूँ आपको प्रोजेक्ट्स, जो कि प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि हंगल हंगल प्रोजेक्ट, इसे लाया गया था 1970 में, ठीक है, एंड गिर लायन प्रोजेक्ट जो कि 1972 में लाया गया था, ठीक है, एंड जो कि आपका प्रोजेक्ट टाइगर आपको बताया था अभी, इसे 1973 में लाया गया था, ठीक है, एंड क्रोकोडाइल ब्रीदिंग प्रोजेक्ट जो कि आपका
इसे 1974 में लाया गया था, ठीक है। एंड यहाँ पे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसे 1992 में लाया गया था। एंड ड्राइनो कॉन्वर्सेशन, इसे 1987 में लाया गया था। एंड रेड पांडा प्रोजेक्ट जो कि 1996 में लाया गया था। एंड प्रोजेक्ट स्लो लियोपार्ड, लियोपार्ड ठीक है, इसे देखिए प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड, इसे 2009 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पांचवा नंबर पॉइंट जो कि आपका बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, देखिए ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं इसके बारे में देखें, ठीक है। सो इंडिया में आपका 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, यहाँ पे 18, ठीक है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। उसमें देखिए, देखिए मैं सीरियली लेके देता हूँ। पहले आता है आपका अचंकरा अनारकंठक, ठीक है, अचंकरा अनारकंठक जो कि आपका एमपी में आता है, ठीक है, एमपी एंड छत्तीसगढ़। अचंकर एंड अनारकंटक बायोस्फीयर जो कि आपका एमपी एंड छत्तीसगढ़ में, ठीक है। एंड दूसरा जो कि आपका अगस्त्य मलाई, ठीक है, जो बायोस्फीयर जो कि आपका केरला में, ठीक है। केरला में एंड दिब्रू सेखवा, तीन बार आपका था, जो कि असम में, ठीक है, असम पे ये बायोस्फीयर रिजर्व। एंड जो कि चार नंबर पर है आपका दिहंग, ठीक है, दिहंग बायोस्फीयर जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। प्रदेश में है। सो चलिए देखते हैं और कुछ बायोस्फीयर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए जो कि चार आते हैं, एक है अचंकर एंड अनारकंठक जो कि बायोस्फीयर जो कि आपका एमपी एंड छत्तीसगढ़ में है। एंड दूसरा नंबर पर आता है आपका अगस्त्य मलाई जो कि आपका केरला में। एंड दिब्रू सैखोवा जो कि असम पे। एंड दिबोंग जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये बायोस्फीयर आपको मौजूद है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं 18 बायोस्फीयर के बारे में, पहले लिख देता हूँ बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है। पांच पे आपका ग्रेट निकोबार, छह नंबर पर गोल्फ ऑफ मनार, सात नंबर पे कच्छ, कंचनजुंगा, मानस बायोस्फीयर। एंड 10 नंबर पे आपका नंदा देवी। एंड 11 नंबर पे आपका दयानल गिरीस। एंड नॉकरेक। एंड 13 नंबर आपका मिल गया, ठीक है। देखिए ग्रेट निकोबार जो कि आपका अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में है ये। एंड गुल्फ ऑफ मन्नार जो कि आपका तमिलनाडु में, ठीक है, गुल्फ ऑफ मन्नार जो कि आपका बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आपका तमिलनाडु में है। एंड बायोस्फीयर जो कि आपका गुजरात में, ठीक है। एंड कंचनजुंगा जो कि आपका सिक्किम पे है, ठीक है। एंड मानस जो कि आपका असम है, कच्छ सॉरी मानस
जो कि बायोस्फीयर असम है, एंड नंदा देवी जो कि आपका उत्तराखंड में, ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर जो कि आपका उत्तराखंड उत्तराखंड में है, एंड द नीलगिरिस जो कि ये बायोस्फीयर जो कि आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, एंड नोक्रेक जो कि आपका नोक्रेक बायोस्फीयर जो कि आपका मेघालय में, ठीक है, मेघा, एंड जो क्या था सिमिलीपालो, ये तो आपको पता होगा उड़ीसा में, ठीक है। सो और जो कि पांच बाकी हैं उनके बारे में मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपका इंडिया में 101 नेशनल पार्क है, ठीक है, 101 नेशनल पार्क, एंड 554 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, सेंचुरी से तो ठीक है, इतने हैं नेशनल पार्क जो कि आपका 101 एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपका 554 है, ठीक है। सो कल हम देखेंगे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जो कि आपका जो कि अब मैं पढ़ा रहा था इसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।